ये पत्ते पक चुके हैं और गिर जाएंगे ये अब, इनमें कोई जान नहीं है, गिर जाएंगे, स्वाभाविक रूप से भी गिर जाएंगे। और आप थोड़ा सा पहला करना चाहते हैं तो 2, 4, 5, 10 दिन पहले कर सकते हैं। सिंपली इनको आप कट कर दीजिए, यहाँ से हिला भी दीजिएगा यूँ थोड़ा थोड़ा ऐसे, तो ये इसमें से बहुत से पत्ते जो पके हुए हैं पूरे तौर से गिर जाएंगे, कुछ करना नहीं है इनको। ये सब निकल जाएंगे, ऐसे निकाल दीजिए। और यूं कट कर दीजिए, ऐसे। अब देख लीजिए पेड़ बिल्कुल साफ हो गया, इसके सारे पत्ते गिर चुके हैं। उसके बाद करना क्या है आपको, ब्रांचेज बिल्कुल दिखने लगी हैं और ये भी पता चलने लगा है कि कोई ब्रांच एक्स्ट्रा है, तो इनको आप इसी समय हटा दीजिए, ठीक है। और शेप में भी कोई फ़र्क है, कटिंग करना है तो यही सही समय है, इनको कट कर दीजिए शेप में, क्योंकि पत्ते आ रहे हैं। अब जो पत्ते इस पर आएंगे वो बिल्कुल सही तरीके से दिखेगा। पत्तों को गिरने के बाद देखिए फ़ायदा ये मिलता है कि आपको ब्रांचेज दिखने लगती हैं और शेप देने में सुविधा रहता है। एक बार पत्ता आ जाएगा फिर आप इसको कट आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा।